जब तीन साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनित प्रगतिकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है, ये यूपी का कमाल है। कौन भूल सकता है कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी, याद है ना? कितनी बिजली कटौती होती थी। कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी। कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी। यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। अब राह जनी करने वाले जेल में हैं और राह जनी नहीं, गांव गांव नई राह बन रही है, नई सड़कें बन रही है। भाइयों और बहनों, इस एक्सप्रेसवे का लाभ गरीब को भी होगा और मध्यम वर्ग को भी। किसान की इससे मदद होगी और व्यापारी के लिए भी सुविधा होगी। इसका लाभ श्रमिक को भी होगा और उद्यमी को भी हो, यानी दलित, वंचित, पिछड़े, किसान, युवा, मध्यम वर्ग, हर व्यक्ति को इसका फायदा होगा। ये भी एक सच्चाई थी कि यूपी जैसा विशाल प्रदेश में पहले एक शहर दूसरे शहर से काफी हद तक कटा हुआ था। अलग अलग हिस्सों में लोग जाते तो थे, काम है, रिश्तेदारी है, लेकिन एक दूसरे शहरों में अच्छी कनेक्टिविटी ना होने की वजह से परेशान रहते थे। पूरब के लोगों के लिए लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था
जहां उनका परिवार था, उनका घर था, लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है।